ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस नवी दिल्ली और महाराष्ट्र राज्य ट्रक टेम्पो टैंकर बस वाहतूक महासंघ मुंबई के माध्यम से नवी मुंबई में भी इसी प्रकार का चक्का जाम किया गया, जहां वाशी में आंदोलन करते हुए वाहतूकदारों से टोलबंद का नारा दिया गया। इस समय सरकार की कुछ शर्तें सामान्य होने की भूमिका आंदोलनकर्ताओं ने जताई, जहां वाहतूकदारों पर लगाए गए TDS भी पीछे लिए जाने की मांग की गई। 14,000 ते 15,000 कोटी रुपये गया, पण आम्ही कर रूपान देणार, सगळे टोल नाके बंद झाले पाहिजे, आणि जो टी डी एस लावला आहे जर सरकारचीच पॉलिसी नाही की वसूल कोणाकडून करायचा, जोपर्यंत पॉलिसी तुमची नक्की होत नाही तोपर्यंत आमच्याकडून हे लादू नाही, जोपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य होणार नाही तोपर्यंत हा चक्का जाम बंद आंदोलन चालू राहणार। निश्चित वाहतूकदारों के देशव्यापी हड़ताल से वस्तु की वजह से आवाजाही प्रभावित होने के आसार जताए जा रहे हैं। सरकार से जल्द ही इस हड़ताल पर ठोस भूमिका लेते हुए इन्हीं मांगों पर सोच करने की बात ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट के प्रकाश गवली इन्होंने जताई। काम करणाऱ्या माणसांना 27,000 कोटी रुपये द्यावे लागतात, त्याच्याशिवाय इतर खर्च आहेत, तेव्हा हे सगळे जर तुम्हाला चालवायचं असेल टोल नाकी बंद करा। आम्ही तुम्हाला वार्षिक आकारणीवर टोल द्यायला तयार आहोत, परंतु टोल नाकी पहिल्यांदा बंद करा, आणि तुम्हाला सरकारला जे पैसे आज मिळणार नाही ते आमच्या माध्यमातून कॅशमध्ये मिळतील। जोपर्यंत सरकार आमची मागणी मान्य करत नाही तोपर्यंत हा चक्का जाम चालू राहील। व्हिडिओ जर्नलिस्ट कुणाल जयतपाल के साथ स्वप्नाली देसाई की रिपोर्ट।